में पिछले एक सप्ताह से लगातार बारिश के कारण मंदसौर विकासखंड के दलौदा तहसील के गांव भावगढ़ हरिचंद और बालोदिया में भारी बारिश से नांदवेल से भावगढ़ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क और पलासोड़ा से भावगढ़ तक बनी पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा सड़कों के आसपास जल निकासी में लापरवाही करते हुए पुलिस सही से नहीं बनाई गई लापरवाही करते हुए पुलिया सही से नहीं बनाई गई जिसके कारण हजारों बीघा खेतों में खड़ी फसलें तबाह हो गई, जिसकी सुनवाई ना तो विभाग कर रहा है और ना ही जिला प्रशासन कर पा रहा। किसानों ने पटवारी से लेकर तहसीलदार को भी सूचनाएं दी, लेकिन मौके पर आकर देखना उचित नहीं समझा। किसानों का कहना है कि अगर 3 दिन में सर्वे नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मामले में क्षेत्रीय विधायक और जनप्रतिनिधियों की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि कोई मौके पर किसानों की समस्या सुनने नहीं पहुंच रहा। मंदसौर से लक्की धनगर की रिपोर्ट। के बताना जमीन, हाँ क्या समस्या है हुकुम आपके बताओ। ये जमीन सब लीज पे ली है, एक साल के लिए 20-25-30 बीघे जमीन जल भराव के कारण ये जरूरी नष्ट हो गई, पूरा नुकसान हो पूरा नुकसान हो गया। अब क्या इच्छा है आपके? अब सरकार हमें सहायता देने के लिए नुकसान करे, मदद करे। क्या सुन रहा? मेरा नाम भगवान सिंह है, मेरे लड़के का नाम चाऊ सिंह। जल भराव के कारण मुख्य सड़कों से क्या क्या नुकसान हो रहा है और क्या कुछ खास कारण माने जा रहे हैं? जल भराव होने से कम 50-60 बीघे जमीन की जो फसल है बिल्कुल जलमग्न हो रही है और उसे नष्ट हो रही है, और इस जल भराव के कारण रोड की निचली साइड जो है उधर और 60-70 बीघे जमीन वो भी पानी की वजह से खराब हो रही है और विभाग से ही उसको मैनेज नहीं कर पाया जल निकासी को, इसके कारण सीधा नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है पानी, जबकि पहले सड़क नहीं बनी थी उसके पहले कोई नुकसान नहीं था। आप एक नगर सरकार और ग्राम पंचायत बतौर क्या मांग करना चाहते हैं प्रशासन से? जल की सही निकासी हो जाए बस। जी जी, इस स्थानीय प्रशासन की भी आप मदद लेना चाहते हैं अगर विभाग नहीं सुनेगा तो? जी लेना चाहिए। जी जी, क्या सुनना हो आपका? महेश कुमार। ठीक है। नाली नहीं होने के कारण जो नाले का पानी निकल रहा है, क्या कुछ समस्या सामने आई? सर समस्या सामने दिख रही है, 30-35 बीघा जमीन ये सब डूबने जा रही है। रोड बनने के बाद में अभी तक पानी का सही निकासी नहीं है यहाँ, और ज्यादा बारिश हो जाती है तो सभी पूरे खेतों में पानी भर जाता है, लगभग 3 से 4 फुट पानी, और पानी निकलने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं, इससे फसल खराब हो जाती है सर। हर साल ये समस्या है और ये चौथा साल लग रहा है रोड बनने के बाद में। कुछ सुनवाई नहीं, कोई अधिकारी नहीं आता, कोई शासन प्रशासन कोई नहीं आता, पटवारी को खबर देते ना वो आता है, सरपंच आते देख जाते चले जाते हैं, कोई कार्रवाई कुछ होती नहीं इस रोड के। और किसी को बोलो तो पीडब्ल्यूडी में कुछ नहीं हो सकता, कुछ पानी का निकास सही है नहीं सर। पानी का निकास होगा तो ये खेत मतलब फसल खराब नहीं होगी हमारी। अच्छा, ये समस्या मेन है, भले जरा सी बारिश होगी तो खेतों में पानी भरा जाएगा, ज्यादा बारिश हो या मत हो, ज्यादा होगी तो भी नुकसान है और कम होगी, निकास है ही नहीं के रोड बनने के बाद पानी का निकास ही नहीं, पानी का निकास ही नहीं, 30-35 बीघा जमीन से डूब गई है, निकास ही नहीं, पानी का निकास नहीं, पाइप के अंदर मावे ही नहीं, इससे भी ज्यादा खेत नीचे उधर। क्या सुन रहा हूँ आपका? पानी भरा हुआ। कहाँ के रहने वाले? भावगढ़। ठीक, क्या कुछ समस्या है भावगढ़ की बताओ? सर ये लगातार बारिश ज्यादा हो रही है इसलिए हमारे फसलें नष्ट हो गए और फूल वगैरह सारे नष्ट हो गए इसमें, तो हमको सरकार की तरफ से कुछ भी सुविधा के लिए पानी जैसे ज्यादा है उसके लिए सरकार की तरफ से हमको कुछ भी। खेतों की क्या समस्या थी जो खेतों में? तो ये फसलें सड़न पकड़ ली सर, ये अब कुछ भी हो भी नहीं सकता, इनका पानी भरा हुआ है, तो पानी भी भरा हुआ है, बारिश भी अच्छी 4 दिन से ज्यादा चल रही है। इस मामले में को लेकर आपने प्रशासन या विधायक या सांसद को किसी को भी अभी तक सर्वे करने कोई नहीं आया? अभी तक सर्वे करने भी कोई नहीं आया, हमने सीखा मतलब पटवारी साहब को भी बताया भी था, परसों कॉल भी किया था कि कल आ जाऊंगा उसको करके, अभी तक पटवारी साहब भी नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। क्या शुभ नाम आपका? दशरथ नाम। भावगढ़। भावगढ़। ठीक, चलो।